मौसम का बदलाव हमें जितना अच्छा लगता है, मौसम का बदलाव हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है। और जिस तरह से मौसम बदलता है, कुछ नई और कुछ पुरानी बीमारियाँ हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे अंदर आ जाती है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है आँखों से जुड़ी बीमारी, जिसे हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, यानी आँखों का लाल होना, आँखों में इन्फेक्शन होना। और अभी के समय में आँखों से जुड़ी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको अवॉइड करना जानलेवा हो सकता है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक। मैं हूँ रचना और आज मैं आपको आँखों में लाली हो जाना, ब्लडी आइज हो जाना, आँखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, आँखों में ईचिंग हो जाना, रेडनेस होना और बहुत ज़्यादा पेन होना, ये जो है ना, ये एक बीमारी के लक्षण है जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। ये होता है आँखों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन, उसका मैं घरेलू उपचार बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान उपचार है और बहुत ही कारगर है। और ये उपचार घर में अगर छोटे बच्चों को आइज़ की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी है और हर एज ग्रुप के लिए है, तो आप किसी भी एज ग्रुप पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस होम रेमेडी को पूरी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगेगी ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मुझसे ज़रूर पूछिएगा और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी आँखों की ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती है तो सबसे पहले आँखों में हैवीनेस हो जाता है, यानी आपकी आँख भारी हो जाती है। कुछ बेसिक सिम्टम्स मैं पहले आपको बता देती हूँ जो आपको आपके शरीर या आपकी आँखें सिग्नल्स देती हैं। आँखों में भारीपन हो जाता है, हल्की रेडिश हो जाती हैं आँखें, हल्का सा ईचिंग शुरू होता है और धीरे धीरे एक से दो दिन में वो रेडनेस जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आँखों में खून जम गया है। बहुत बार हमारा आप अवॉइड कर जाते हैं कि आँखों में शायद डस्ट पड़ गया होगा और हमने उसे रगड़ दिया होगा, इसलिए आँखें ऐसी हो गई हैं, या फिर मौसम चेंज होगा, या फिर नींद नहीं पूरी होगी। ऐसे 10 तरह की प्रेडिक्शन हम और आप कर देते हैं और उन चीज़ों को हम अवॉइड कर जाते हैं। जबकि अभी के समय में जबकि सिचुएशन बहुत ही टफ हो चुकी है, आँखों से जुड़ी कोई भी चीज़ें हमें अवॉइड नहीं करनी है, क्योंकि अभी बहुत तरह के ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ऐसी बीमारी भी फैल गई है। तो ज़रा सी प्रॉब्लम भी आपके आइज़ में हो तो सबसे पहले तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर अभी डॉक्टर से कंसल्ट करने में आपको सेफ्टी नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ जा करके आपको दिखाना पड़ेगा और वायरस के इन्फेक्शन का डर होगा, तो प्लीज़ घरेलू इलाज को करिए। तो क्या है वो घरेलू इलाज जो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं? तो एक तो घरेलू इलाज जो सभी करते हैं, गरम और ठंडी सिकाई। कैसे करते हैं? तो कपड़े को गरम करके उसे सिकाई करते हैं और फिर आइस पैड से ठंडी सिकाई करते हैं। इसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड, गरम और ठंडी सिकाई अल्टरनेट करके करना, ताकि आँखों में जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। उससे भी आसान तरीका, जिन लोगों को ये लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, उससे भी आसान तरीका है सिकाई करने का, गरम सिकाई। आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करना है 10 से 12 बार, और ये थोड़ा हथेली आपकी गर्म हो जाएगी तो इसको आँखों पे ऐसे रखना है। ऐसे 20 से 25 बार आपको इसे सिकाई करनी है। इसे कहते हैं गर्म सिकाई करना, और ये बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि ये नेचुरल हीट देता है। ये तो हो गया एक दादी माँ के नुस्खे। अब मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज बताती हूँ। तो जब भी आँखों से जुड़ी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आपको लगे कि आपको आँखों में इन्फेक्शन हो गया, उसको कैसे दूर करें, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि इतना छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। मैं क्या करती हूँ, अपने घर में एक डब्बे में फिटकरी का पाउडर बना के ही रखती हूँ। तो 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच अलसी, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड, उसको तवे पे गरम कर लेना है। 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर और 1 चम्मच अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड, इसको तवे पे गरम करना है। एक कॉटन कपड़े में उस गरम अलसी और फिटकरी को पोटली बनानी है और उससे उसको सिकाई करनी है। हल्का गरम करके सिकाई करना है उसको, और जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद भी उससे सिकाई करनी है। इससे क्या होगा, आँखों में जिस तरह के भी इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन को अलसी कम करता है। दूसरा, आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, यानी नेचुरल टीयर्स नहीं बनते हैं, तो ये फिटकरी जो है वो नेचुरल टीयर्स बनाता है और आँखों की रेडनेस को कम कर देता है। और सिकाई अपने आप में आँखों के पेन को कम करता है। यानी एक होम रेमेडी से आँखों से जुड़ी 4 तरह की समस्या, ईचिंग, रेडनेस, हैवीनेस और इन्फेक्शन, सभी ख़त्म हो जाते हैं। और ये आप कंटिन्यूस 4 से 5 दिन कर सकते हैं। 4 से 5 दिन करिए, अगर इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए तो भी करिए। अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तो आँखों का इन्फेक्शन कम से कम 14 दिन ज़रूर चलता है, लेकिन प्लीज़ 14 दिन उसका वेट मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर आप ये घरेलू उपचार कर लेते हैं तो 4 से 5 दिन में आपके आँखों से जुड़ी जो भी इन्फेक्शन है
वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आँख हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इससे जुड़ी कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन को अवॉइड मत करिए। और अगर ये घरेलू उपचार आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स, उससे जुड़े कोई भी सवाल हो उससे मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होम रेमेडीज़ की ढेर सारी लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। और चैनल का सब्सक्राइब बटन अभी तक अगर रेड दिख रहा है तो प्लीज़ उसे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।